हेलो दोस्तों, एक क्रिप्टो करेंसी एंटरप्रेन्योर जस्टिन सन ने 4.5 मिलियन डॉलर खर्च करके सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यूएबल एडवाइस पाने के लिए वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट एंड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के साथ में एक प्राइवेट लंच बुक किया था। थैंकफुली वो प्रीशियस एडवाइस पाने के लिए आपको 4.5 मिलियन डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे लाइफ में सक्सेसफुल एंड रिच बनने के लिए वॉरेन बफेट के कुछ एडवाइसेस शेयर करने वाला हूँ और ये एडवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे फर्स्ट एडवाइस ये है कि आप अपने से बेहतर और सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि उसकी वजह से आप भी ग्रो करोगे। इस एडवाइस का एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक इंटरव्यू में याहू कंपनी के सीईओ मरीसा मायर ने एक कहानी शेयर की है। उस एक कहानी में बचपन में मरीसा की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था लॉरा। लॉरा बास्केटबॉल के गेम में एक्सपर्ट थी, बट लॉरा को दो ऑप्शन दिए गए थे। वो या तो सीनियर वर्सिटी टीम ज्वाइन करे जहां उसे सिर्फ पूरे साल बेंच पर बैठकर बिताना होगा, और दूसरा ऑप्शन था कि वो जूनियर वर्सिटी टीम ज्वाइन करे और इस टीम में उसे पहले से ही खेलने का चांस मिलेगा। लॉरा ने सबको दंग कर दिया और उसने सीनियर वर्सिटी टीम को ज्वाइन कर लिया। शुरुआत के एक साल में तो लॉरा को खेलने का मौका नहीं मिला, बट अगले साल से वो हर एक मैच खेलने लगी क्योंकि उसकी गेम अब बहुत ही अच्छी हो गई थी। और यहाँ दूसरी तरफ लॉरा के साथ में जो प्लेयर्स थे अब वो सीनियर वर्सिटी गेम में आ गए थे और अब उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा। इसके बाद मरीसा ने लॉरा को पूछा कि उसने ये करेक्ट डिसीजन कैसे लिया। उसके जवाब में लॉरा ने कहा, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैच में खेलने का चांस ना भी मिले पर मेरी गेम अच्छे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव हो सकती है, और यही हुआ। तो बस ऐसे ही आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो अपने से बेटर पर्सन के साथ वक्त बिताना शुरू कर दो। आइडिया नंबर टू, हमें अपनी लाइफ आउटर स्कोर कार्ड के मुताबिक नहीं पर इनर स्कोर कोड के मुताबिक चलाना चाहिए। अब एक बात बताओ कि क्या सही है कि दुनिया आपको एक बेस्ट लवर माने बट मन में आपको लगता है कि आप एक वर्स्ट लवर हो, या तो फिर दुनिया आपको एक वर्स्ट लवर माने बट आप अपने लिए अंदर से बेस्ट लवर हो। एक आउटर स्कोर कार्ड जो बहुत लोगों के मन में होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे कपड़े पहनने का स्टाइल कैसा है, मैं कैसा दिखता हूँ, कौन सी कार चला रहा हूँ, अब ये सारे सवालों को लेके लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब एक इनर स्कोर कार्ड ये है कि मेरा दूसरों से बिहेवियर कैसा है, मैं जो काम करता हूँ वो सब सही है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। वॉरेन बफेट भी खुद ये सब बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। वो अपने रूल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो चाहते तो बक्साइड टैक्स डोमिसाइल बर्मुडा में मूव करके 1000 करोड़ रुपीज का टैक्स सेव कर सकते थे, बट उन्होंने ये नहीं किया और कंपनी को ओमाहा में ही रखा। वॉरेन बफेट की थिंकिंग का इफेक्ट उनके लाइफ का हर एक फील्ड में देखने को मिलता है। स्मार्ट एडवाइस नंबर थ्री, तब डरिए जब सब लोग लालची बन रहे हो और तब लालची बनिए जब सब डर रहे हो। सबकी एक कॉमन हैबिट है डिसीजन लेने के लिए कि अगर आसपास सब वही कर रहे हैं तो जरूर यही सही होगा। अब सब लोग कर रहे होंगे तो वो गलत नहीं हो सकता। सपोज गलत है तो भी मैं अकेला नहीं, सबके सब डूबेंगे। अगर आप सिंपति लेके खुश है तो चुपचाप वही कीजिए जो सब कर रहे हैं, बट आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो लोग जो कर रहे हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट करना होगा। क्योंकि आप देखिए 1% लोग ही है जो डेली एक्सरसाइज और ग्रेट एंड हेल्थी डाइट फॉलो करते हैं, सो 1% लोग ही लंबी उम्र तक फिट एंड हेल्थी रह सकते हैं। और दूसरी तरफ 99% लोग अपने लाइफ के मजे लूटने में फोकस करते हैं और वो जो 1% लोग है वो अपना वैल्यूएबल टाइम स्पॉइल नहीं करते और कुछ अचीव कर जाते हैं। स्मार्ट एडवाइस नंबर फोर, अच्छे कामों के लिए हमेशा वक्त लगता है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो किसी भी काम के लिए। एक एग्जांपल है कि कोई भी बच्चा पैदा होने में 9 मंथ्स लगते हैं, लेकिन 9 वुमेन को एक साथ प्रेग्नेंट करके हर एक महीने में एक एक बच्चा पैदा करना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो जिंदगी में लोग गरीब रह जाते उसका क्या मेन रीजन है? उसका रीजन ये है कि कुछ अचीव करने के लिए पेशेंस और डेडिकेशन की बहुत ही जरूरत होती है। मैजिशियन को देख के सब लोग सोचते हैं कि काश मुझे भी ये ट्रिक पता होती। एक ग्रेट प्लेयर को माइंड ब्लोइंग शॉट मार के देखते ही सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा खेल पाता। एक बिजनेसमैन को देख के सोचते हैं कि काश मैं भी इतना सक्सेसफुल हो पाता, बट उसके अचीवमेंट के पीछे का डेडिकेशन और पेशेंस हमें पता नहीं चलता। एडवाइस नंबर 5, आपको अपने टाइम को अपने कंट्रोल में करना सीखना होगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ना बोलना नहीं सीख जाते। दूसरों के रूल से जिंदगी चलाना सही नहीं है। आप अपने आसपास कुछ नोटिस करोगे तो मालूम पड़ेगा कि हम उस टाइम में जी रहे हैं जहां इंटरनेट हमारे चारों तरफ भरा पड़ा है। सोशल मीडिया, टीवी, पार्टीज, ये सब हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो सही नहीं है, और ऑलमोस्ट सब हमारी लाइफ में ना के बराबर है।
अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आपको कई सारी चीजों को ना बोलना होगा, वरना लोग खुद की ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए आपको यूज करते रहेंगे। अब क्यों ये होता है कि हम ना बोलने के लिए क्यों अटकते हैं? क्यों हम सब रिलेशन सही रखने में ही लग जाते हैं, बट कभी कभी तो हम अनजान लोगों को भी ना नहीं बोल पाते। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हम अपनी इमेज लोगों के पर्सपेक्टिव से ही सही रखना चाहते हैं, इसीलिए ना नहीं बोलते, बट असल में यही तो एक ट्रैप है। दिन ब दिन एक्सपेक्टेशन बढ़ ना जाए, इसीलिए हमें ना बोलना जरूरी है। तो ये थी वॉरेन बफेट की टॉप वैल्यूएबल 5 एडवाइस। लास्ट बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट, अपना टाइम अपने से बेटर पर्सन के साथ बिताए। सेकंड, इनर स्कोर कार्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दीजिए। थर्ड, जो लोग कर रहे हैं उससे ऑपोजिट कीजिए। फोर्थ, जैसा काम वैसा नाम। फिफ्थ, जहां ना बोलना पड़े वहां ना बोलिए। तो वीडियो को यहां एंड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। हमारी चैनल लाइफ स्टेप्स को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां मैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता रहता हूं, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।